लखनऊ से है जहां कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकुल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया है। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जनता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। बीजेपी की सरकार देश के अमीरों को और अमीर बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक हुए समिट में कितना निवेश आया है इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है? जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में रहती हो, जो पार्टी जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने के ऊपर विरोध करती हो, जो पार्टी ये ना तय कर पा रही हो कि भगवान राम कहाँ पर जन्मे, भगवान राम काल्पनिक है या वास्तविक है, आज वो पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है। दरअसल धारा 370 हटा करके भारत को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो जिस तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिल रहा है, तो कांग्रेस के जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे हैं उनका साफ तौर कहना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश। कई सौ किलोमीटर का लंबा सफर करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होते हुए अब समाप्ति की ओर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता कर प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी ने कई सारे स्टेटमेंट दिए, हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक जन सैलाब देखने को मिला, भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिला, अब ये समाप्ति की ओर है, क्या लगता है कितना समर्थन उत्तर प्रदेश में? जी, उत्तर प्रदेश में शायद जो मैंने देखा तो शायद अभी तक जितने राज्य में आपने कार्यक्रम देखे होंगे, उत्तर प्रदेश ने सब जगह को पिछाड़ा है। भाई साहब, मेरा सोचना है कि जो लोनी में हम लोग चले वहाँ से गोकुलपुरी से, तो वाकई तो ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर राहुल जी को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुआ है। और क्यों ना हो, हर आदमी तो बेचैन है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी बताओ वहाँ से आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है। कभी इस नाम से, कभी उस नाम से, आजकल इन्वेस्टर समिट नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को। तो क्या हमारे लोग अब नियति बन चुके, जब तक बीजेपी रहेगी हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे? तो राहुल गांधी जी, अभी तो यात्रा लंबी है, अभी तो उनको कश्मीर तक यात्रा करनी है, और हम लोगों की शुभकामनाएँ हैं कि वो इसी तरह से लगे रहें, हम सब उनके साथ हैं। और इस देश की सरकार ने, तानाशाह सरकार ने जिस तरह से, चाहे मीडिया हो चाहे अन्य संस्थाएँ हों, जो लोकतंत्र की जो हमारे जो स्तंभ हैं सबको उन्होंने तोड़ने का कार्य किया है, तो आज राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके इस देश की जनता को ये संदेश दे दिया कि आप लोग चिंता न करिए। यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे थे फ्लॉप सो है भारत जोड़ो यात्रा, आप उनके लिए होगी तो कहने दिए। देखिए, ऐसा ना कि जो लोग अपने अपने शो को बताएं, आप इनकी बात कर रहे हैं कौन डिप्टी सीएम, नाम बता दो तो मैं आगे बताऊँ ना आपको। हाँ, तो वो अपने बताओ ना, कभी उन्नाव से, कभी मध्य से, कभी कैंट से, जो भागदे भाग, जो भगोड़े टाइप के नेता हैं, उनका अपना खुद का कोई तो वो है नहीं, तो वो ऐसे बता देंगे भैया, उनको दिखाई फोटो ले आकर के, और ना वीडियो तो हम दे दें आपको वीडियो। एक जनसभा में अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उस पर तंज कसा है, कहा है कि 1 जनवरी अगले साल मंदिर का निर्माण हो जाएगा। भैया, ये उनका उसमें कोई योगदान नहीं है, वो तो वहाँ के उसमें लग गए हैं, व्यापार वहाँ सब चल रहा है, उनके ट्रस्टीज ने क्या क्या किया है, उनके प्रशासन ने वहाँ पर क्या क्या किया है, कि कहाँ की जमीन कहते में, कहाँ की जमीन कहते, जो उनका काम है, जो उधर वहाँ जयशाह साहब कर रहे हैं वहाँ पर ICC में बैठ करके, BCCI में, वही सेम काम यहाँ भी वो करवा रहे हैं। वो राम जी की मंदिर जो बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, उस फैसले का सबने सम्मान किया है, और उस फैसले के कंप्लायंस में वहाँ पर मंदिर निर्माण, जो विलम्ब हो रहा है वो विलम्ब सिर्फ वो जो बनरबाट शुरू हो गई थी उसी बनरबाट की वजह से विलम्ब हुआ है, लेकिन हम लोग यही मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या लगता है 2024 में राम मंदिर का मुद्दा भी अहम रखने वाले हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अभी कोई कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई कांड पुलवामा जैसा कोई कांड हो जाए, लेकिन अब जनता जान चुकी है, इस देश की जनता को मालूम हो चुका है कि इस देश का भला कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पहले भी हुआ है, 2014 से वो लगातार तमाशे पर तमाशा सबके हाथ में अब कटोरा आ गया है, मंत्री लोग खुदे मांगने पहुंच जा रहे हैं विदेशों में, तो जब जिस देश का जिस हालत में खड़ा कर दिया है, कहाँ विश्व गुरु बना रहे थे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जिस देश का व्यापारी स्वयं विश्व का नंबर वन रईस है, एशिया का नंबर वन रईस हमारे देश का व्यापारी, वहां पर समिट जरूरत क्या है?
बीजेपी मंत्री तो कह रहे हैं G20 सम्मेलन में 5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पहले भी आया है, वो 2018 लगातार इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन आखिर इन्वेस्टमेंट हो किसके लिए रहा है? ये इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी जी को नंबर वन जल्दी जल्दी बनाने के सबको टारगेट मिला हुआ है कि अगर मंत्रालय अपना रखना है तो जल्दी जल्दी इनको नंबर वन लाने कहीं रुपया लाओ तो हमको लगता है वही रुपया लाकर जमा करा जाएगा। भाई सारा पैसा अल्टीमेटली जा तो एक ही खजाने में, ये गवर्नमेंट तो नाम की खाली, ये सारा ही अमाउंट जो आ भी रहा है पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा भगवान जाने, लेकिन जो अमाउंट आ रहा है ये अडानी जी खजाने में अल्टीमेटली भेजा जाएगा। वो कर्जा लेते जा रहे हैं और उनका कर्जा माफ होता जा रहा है, तो घूम फिर करके सरकार बदनाम हम आप हो रहे हैं, विश्व में काली हमारे आपके चेहरे पर लग रही है कि यार कितने मांगते हैं, जब देखो तब हाथ पैला है, इस इन्वेस्टमेंट के नाम दूसरे पैसा लेने के लिए खड़े हुए हैं और इस इंडिया कंपनी को फिर ले जा रहे हैं, लगता है फिर से गुलाम। मंत्री जी भी तो दौरे पे थे मुंबई, मुंबई पे पहुंचे थे मंत्री। हाँ ये क्या है, ये हो सकता है वही हो रहा हो, अगर उसको अगर गंभीरता से बारीकी से देखा जाए तो ये अडानी जी खजाने के भरने के सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष निकुल दुबे जी थे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों का समर्थन मिला है, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बढ़ चढ़ के जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उसको लेकर आने वाले 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ाकी टक्कर होने वाली है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अभिनव।